हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने अपना चैप्टर थर्ड जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसको कंप्लीट कर लिया है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज आपके लिए एक टेस्ट तैयार किया गया है और अगर आप इस टेस्ट में सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हो तो इट मीन्स आपका जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से तैयार किया गया। हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिए है कि इसमें पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, आपको इन 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि आपके 5 में से कितने जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ठीक हुए और कितने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की वजह से फाइनल जो सोल्यूशन आना था वो नहीं आ पाया और उसको फिर आप दोबारा से एक बार फिर से चेक करके ठीक करेंगे। पहले बच्चों देखते हैं जो 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 बाय ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको उस क्वेश्चन को 4 मेथड है जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़े हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के, जो 4 मेथड पढ़े हैं आपको उन सभी 4 मेथड से इस पेयर को या इन 2 लीनियर इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पे ये एक आपका स्टेटमेंट टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया ताकि आप थोड़ा सा और सोच पाए। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3। 2 डिजिट का कोई नंबर है और उसके डिजिट्स का डिफरेंस 3 है। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द नंबर, अगर उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे, यूनिट प्लेस वाला टेंथ प्लेस पे और टेंथ प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे कर दे, द न्यू नंबर सो ऑब्टेन, तो इस तरह से जो नया नंबर बना है सो ऑब्टेन इज 27 स्मॉलर देन द प्रीवियस नंबर। तो जो नया नंबर है 27 लेस होगा, स्मॉलर होगा प्रीवियस नंबर, पहले वाले नंबर से जो इंटरचेंज करने से पहले नंबर था। तो फाइंड दी नंबर, यानी कि शुरू में जो पहले नंबर था वो नंबर हमें फाइंड करना है। यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि मान लो हमारे पास पहले जो नंबर है उसके जो डिजिट है उनका जो डिफरेंस वो तो 3 है, अगर उनके डिजिट को इंटरचेंज कर दे तो जो नया नंबर है वो छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा? 27 स्मॉलर हो जाएगा, 27 कम हो जाएगा। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, तो सोचेंगे इसके बारे में। ठीक इसी तरह से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, थर्ड क्वेश्चन में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन है, पी की वैल्यू निकालनी है। P की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, P की किन वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशंस हैं इनका कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो हमें इसके लिए सोल्व करना है P की वैल्यू के लिए। नेक्स्ट है, एक हमने क्वेश्चन ले लिया है एक्सरसाइज 3.6 से, मींस इक्वेशन को हमने रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। इक्वेशन गिवन आपके पास, इनको रिड्यूस करना है पहले। तो सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, 7x माइनस 2y डिवाइड बाय xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y डिवाइड बाय xy इज इक्वल टू 15 बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनको पहले तो रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, तो रिड्यूस करने के बाद फिर इनको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु तैर सकती है जिस साइड में पानी बह रहा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो जिस साइड में पानी जा रहा है उस साइड में अगर वो चलती है तो 20 किलोमीटर तैर सकती है 2 आवर्स में। एंड अपस्ट्रीम पानी की दूसरी दिशा में 4 किलोमीटर तैरती है 2 आवर्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट।
तो उसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में, शांत पानी में, शांत जल में उसकी जो स्पीड है वो बतानी है, और जो स्पीड ऑफ करंट या फिर कह दो स्पीड ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड हमें बतानी है। तो उसको हम लेट द स्पीड ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर इज एक्स किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज वाई किलोमीटर, उसके लिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले बच्चों ये 5 क्वेश्चन है यहाँ पे हमने, वैसे तो आप इन 5 के 5 क्वेश्चन को सोल्व करके चेक कर सकते हो, जो कंडीशन है उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हो, फिर भी आपके लिए हमने आंसर लिख दिया है। जब तक कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती तो हमने आपके लिए आंसर भी नीचे लिख दिया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है एक्स इजिकल टू 2 एंड वाई इजिकल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन है 36 का आंसर। थर्ड है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी, इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी एक्सेप्ट 4 को छोड़ के सभी वैल्यू के लिए, P की सभी वैल्यू के लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस आंसर को कि P इज नॉट इक्वल टू 4, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसके लिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इसका आंसर होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन का रोइंग इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर होगी 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों ये 5 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो, अगर आप इनको सोल्व कर लेते हो, तो इसका मतलब आपका जो चैप्टर 3 है वो बेहद अच्छे से तैयार है। चैप्टर 3 मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए क्लास 10 के साथ साथ आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इस चैप्टर की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को अब आप सोल्व करें। थैंक यू वेरी मच।